से हरियाणा में बिजली आंदोलन की शुरुआत, घर घर बिजली के मुद्दे को लेकर जाएं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा में बिजली आंदोलन का आगाज किया। इस दौरान प्रदेश भर से आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर, राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी मंत्री निर्मल सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा तरवारा भी मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा में बिजली की समस्याओं को लेकर जनता की शिकायतें भी सुनी। पूरा ऑडिटोरियम भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज गया। इसमें हजारों की संख्या में पहुंचे जनसैलाब ने सत्ता परिवर्तन का संकल्प लिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज से हरियाणा में बिजली आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हरियाणा में पैदा हुआ, हरियाणा में पला पड़ा, हरियाणा में मेरे दोस्त रिश्तेदार हैं, हरियाणा से बहुत लोग मेरे पास आते रहते हैं। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि हरियाणा में बिजली की बड़ी समस्या है, इसलिए आज केवल बिजली की बात करेंगे। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि हरियाणा में कितने घंटे बिजली के कट लगते हैं, तो जवाब मिला 6-6 घंटे बिजली के कट लगते हैं। इस दौरान इंद्रधनुष ऑडिटोरियम की बिजली गुल रही। जी, जिस तरह से बिजली आंदोलन जो है हरियाणा से शुरू किया गया है, आज पंचकुला से, पड़ोसी राज्य जो हैं वो बिजली फ्री करने का दावा करते रहे, जो अगर दिल्ली और बात करें आम आदमी पार्टी का सरकार है पंजाब, क्या कुछ उद्देश्य है इस आंदोलन का? हम ना दावा नहीं करते, हम देते हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल से, जब से पंजाब में सरकार आई है 1 साल से, 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली। खेत की बिजली पंजाब के अंदर फ्री देते हैं और हरियाणा में 6 रुपए 10 पैसे की प्रति यूनिट लगती है। 6 रुपए 10 पैसे यूनिट लेने के बाद भी खट्टर साहब 12-12, 14-14 घंटे का कट लगाते हैं। गांव के अंदर कई कई घंटे बिजली नहीं आती, बच्चे पढ़ाई के बिना रह जाते हैं, घर में खाना अधपका रह जाता है। आज बिजली की बहुत बड़ी समस्या से हरियाणा वासी जूझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने आज आके बिजली आंदोलन की शुरुआत की है और ये तय किया कि हरियाणा के एक एक गांव में, एक एक घर के अंदर हम इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। जिस प्रकार से फ्री बिजली हमने दिल्ली के अंदर दी है, जिस प्रकार से पंजाब के अंदर दी है, वो व्यवस्था हरियाणा के अंदर मिलेगी। सर, क्या कोई रोड मैप तैयार किया है इसके लिए? क्योंकि जिस तरह कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती है कि सरकार ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज ले रही है, तो किस तरह आप लोग फ्री बिजली जो है हरियाणा में आके देखिए, इकलौती सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर जो सब कुछ फ्री देने के बाद भी 8,100 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। पंजाब की सरकार ने भी 40,000 करोड़ रुपए का पुराना कर्जा 1 साल के अंदर उतारा है। हरियाणा कुछ भी फ्री नहीं देता, 50,000 करोड़ रुपए साल का घाटा है। हम ये बता रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, सरकार का रेवेन्यू बढ़ाएंगे। जिस प्रकार दिल्ली का रेवेन्यू आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले 24,000 करोड़ रुपए सालाना होता था, आज 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर का सालाना है, तो भ्रष्टाचार बंद। जिस प्रकार से पंजाब का रेवेन्यू भी हर महीने लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार बंद करेंगे, चोरी बंद करेंगे और जनता का पैसा जनता को लौटाएंगे। सर, इस कार्यक्रम के तहत बिजली आंदोलन में आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है? पूरे हरियाणा का हम एक रोड मैप बना रहे हैं, पूरे हरियाणा के हर गाँव के अंदर जाएंगे और मैं भी मैक्सिमम गाँव के अंदर जाऊंगा और वहाँ के लोगों को जागरूक करूंगा, हमारी पार्टी का हर नेता बने। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिया गया कि पहले पंजाब की स्थिति संभाल ले फिर उसके बाद हरियाणा में आए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंजाब की स्थिति बहुत बेहतर स्थिति है। पंजाब के अंदर ट्यूबवेल का कनेक्शन अब कई कई घंटे बिजली मिलती है, बिजली के कट लगने बंद हो गए। पहली बार पंजाब के अंदर पंजाब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पंजाब में ट्यूबवेलों की जरूरत नहीं रही है, लोगों का हर खेत के अंदर पानी पहुंचाती है। पहली बार पंजाब सरकार अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उद्योगपतियों की परेशानियों को पूछ रही है, व्यापारियों की परेशानी को पूछ रही है, ताकि पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और पंजाब के युवाओं को रोजगार मिले। पंजाब का युवा जो रोजगार के लिए विदेश घूमता था, अब विदेश में गया हुआ युवा वापस पंजाब में आए और रंगीला पंजाब।
सरकार साहब, आज एक आंदोलन की शुरुआत हुई है हरियाणा से, पंचकुला से, एक आंदोलन जो आम आदमी से सरोकार रखता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये आंदोलन नहीं, ये महाआंदोलन, और इस महायज्ञ में मैं समझता हूँ कि हर हरियाणा वासी को योगदान देना चाहिए, आहुति डालनी चाहिए। जो आज एक शंखनाद किया है पंचकुला इंद्रधनुष इस स्टेडियम ऑडिटोरियम की धरती से, उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। हरियाणा के अंदर भी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर फ्री बिजली मिलेगी, बिना कट के बिजली मिलेगी, और पूरा सबको लाभ मिले ये सुनिश्चित करने का काम अरविंद जी करेंगे। और ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़ दिया है, उस अस्त्र का असर शाम तक आपको दिख जाएगा। जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं वो पहले भी बौखलाई हुई थी, और बौखलाट में भी और कुछ बहुत चीजें बोलेंगे भी, कहेंगे भी, करेंगे। अब जैसे पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं, किस तरह से तैयारी रहेगी, कैसे ग्रामीण इलाकों पर मेन फोकस रहेगा, क्या कुछ है? हमने एक दो बातें आज कही हैं कि इसको लेकर के पूरा ब्लूप्रिंट, एक एक्शन प्लान आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है, और अगले दो तीन महीने का ये पूरा कैंपेन होगा। जैसे अरविंद जी ने कहा, उसमें हम सारी बातें बताएंगे कि आज देश में कितनी बिजली की आवश्यकता है, कितनी बिजली पैदा हो रही है, बिजली पैदा क्यों नहीं कर पाए। जो दूसरी पार्टियों को आज़ादी से लेकर के आज तक मौका मिला, आज वो अरविंद जी को देख करके नकल तो करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की गारंटियों को, लेकिन हकीकत में अब भी लागू करने का ना उनका कोई लक्ष्य है, ना उनकी सोच है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का सब लोग मिलकर के साथ दें, और जहाँ भी बिजली कट हो, सरकार कह रही है बिजली कट नहीं है, मैं तो सभी से यही आह्वान करूँगा कि बिजली कट जहाँ पर हो वो मीडिया को भी अवगत कराएं, अपनी अपनी वीडियो डालें, इसको एक जन आंदोलन के रूप में लें, तो सबको पता चल जाएगा कि बिजली ना तो जहाँ कनेक्शन है वहाँ आती है, ना ट्यूबवेल के अभी तक कनेक्शन मिले हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें हॉस्पिटल्स में बिजली की दिक्कत है, ढाणियों के बिजली का आज भी अभाव है, तो बहुत तरह की समस्याएँ हैं। और साथ साथ जो पावर प्लांट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पावर प्लांट ही खराब है, और यहाँ से पावर प्लांटों को पलायन जिस तरीके से करने की साजिश और कोशिश है, इन तमाम मुद्दों को लोगों के बीच में रखते हैं। जमाने च बिजली ना मिले, जदों के दुनिया चलते जा रही है, साडे अपने चंद्रयान जिहड़े ने उह चंद वल नूं जा रहे ने, ते इत्थे साडे बिजली दे कट, इत्थे साडे बिजली इन्नी महंगी, इत्थे असी बिजली अजे प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, तो फिर साडे लई सोचण दा विशा है। कोई 15 पिंड ने भूलण, ठस्का, महासिंह वाला, गलाड़ी, वो सारे जिहड़े ने वो खा पंचायत चाहते ने, जी नहर के पल्ले पासे ने, भाखड़ा के पल्ले पासे, उन्होंने बोली हो रहा, कहते क्या कर रहे भाई भगवंत मान, वो डल है ना भगवंत मान, कोई डल है ना, और किसी को नहीं डल है। तो मैं तो उन्होंने को भी चौधरी फैमिली ने उठे उन्होंने को भी मैं जाना। सो आज के इस जमाने में अगर बिजली की कमी है तो ये शर्मनाक, तो इसका मतलब सिस्टम की कमी है, इसका मतलब नीयत की कमी है। इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है, बिल्कुल अगली बार दिल्ली है, तो यहां कौन सी रॉकेट साइंस चल गई कि पंजाब में बिजली 90% पंजाब के घरों को, 1 जुलाई को हमने किया था पिछले साल, अभी आज 8-9 जुलाई हो गई, 1 जुलाई, 1 साल हो गया, 1 साल से 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल जीरो आ रहा है। बता भी रहे थे कि नकोदर के पास एक गांव था, वहां पहले पैसे भेजने पड़ते थे, अब पैसे इधर आने लगे हैं। तो ये क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल की एक ही साइंस है कि मैंने लोगों का पैसा टैक्स के रूप में जो आता है लोगों को वापस देना है। बिजली आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, उसकी शुरुआत की जा रही है। बिजली आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा? हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा में पैदा हुआ, बहुत सारे रिश्तेदारियां, बहुत सारे दोस्त यार, तो हरियाणा से बहुत लोग आते रहते हैं मेरे पास,
उन लोगों से जब चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया कि इस वक्त हरियाणा के अंदर बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है। अभी सुशील गुप्ता जी ने अपने उद्बोधन में कई सारी समस्याओं की चर्चा की, उन सबका आने वाले समय में एक एक करके सब बातें उठाएंगे, लेकिन आज बिजली की बात करूंगा केवल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? अच्छा, ये अभी बता रहे थे जो बिजली गई थी, अभी ये जनरेटर से चल रहा है, बिजली आई नहीं है अभी। कोई कहता है 8 घंटे के लगते हैं। मैंने भी एक बीजेपी का कोई नेता, उसने ट्वीट किया अभी थोड़े दिन पहले, उसने कहा मैं दिल्ली, तो बीजेपी वाले भी मानते हैं कि दिल्ली में बिजली नहीं जाती और गुड़गांव में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? एक्स्ट्रा चार्जेस भी है सर जी, हाँ सर जी, पंचायत टैक्स लगा रखा। तो कोई बता रहा था 200 यूनिट बिजली अगर खपत करो तो 1200-1300 रुपए का बिल आता है। सर, इनका जैसे दिल्ली में जीरो बिल आता है 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो। मेरे को कोई बता रहा था कि 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो 1700-1800 रुपए का बिल आता है। बताओ, पंजाब में 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो भगवंत मान साहब ने जीरो कर रखा बिजली का बिल। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।